दोस्तों एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्योरीफायर में एयर फ्लो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है और हर एक कोने में कोने कोने से हम इम्प्योरिटीज़ को खींच के ला सकते हैं। और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी, जो एक एक्टिव प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।